सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा ने ट्वीट करते हुए वो वीडियो राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद का बताया है। इसी ट्वीट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सालेह मोहम्मद को बर्खास्त करने की भी मांग की गई है। पीड़िता मूल रूप से जोधपुर की रहने वाली बताई जा रही है। दो दिन पहले लड़की ने पुलिस में अपना वीडियो लीक होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार 5 दिसंबर 2022 को एक महिला ने जोधपुर के थाना शेरगढ़ में अपना अश्लील वीडियो बनाए जाने की एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता ने दावा किया कि यह गलती से हो गया। शिकायत में यह भी बताया गया कि उसकी 7 वर्षीय बच्ची ने मोबाइल में गेम खेलते हुए गलती से इसे किसी और को फॉरवर्ड कर दिया था और बाद में वह वीडियो कई जगहों पर वायरल हो गया। महिला ने उस वीडियो को वायरल करने वालों के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और वीडियो वायरल करने के आरोप में 5 लड़कों को हिरासत में लिया है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 2 माह पहले उन सभी 5 लड़कों ने उसकी रिश्तेदारी में उसका अश्लील वीडियो दिखाकर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।